इरफान ने जिस लड़की को, जिस 11वीं की छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था और उसकी एक ऐसी वीडियो बनाकर जब सोशल मीडिया पर वायरल की तो पूरा घर सन्न रह गया और पूरा घर सदमे में आ गया। उसके बाद उस बेटी ने अपनी जान दे दी, लेकिन इरफान का परिवार अभी भी फरार है। पुलिस की टीमें इरफान के परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रही है। आज दूसरा दिन है, यानी कि आज उस बेटी के अंतिम संस्कार के बाद उनके माँ बाप के बीच में आया हूँ। आखिर उनकी क्या मांग है? दुख की घड़ी है, ईश्वर किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। उनकी माँ मेरे साथ है, उनकी आप दादी हैं, उनकी दादी हैं। इस दुख की घड़ी में हालांकि बहुत दिल पे पत्थर रखकर सवाल करने वाली हालत है, लेकिन इंसाफ की अगर गुहार ये लोग परिवार लगा रहा है, आप क्या कहेंगी? क्या आप प्रशासन से, पुलिस से कहना चाहती हैं? क्या आप गुहार लगा रही हैं? उन पे तो सब कुछ होएगा वा। आपकी बेटी थी? बेटी थी, और भाई खत्म होएगा वही दिन। आपके भाई भी खत्म हो गए इसी गम। अच्छा, आप अपनी बात तो बताओ, आप चाहती हैं मुख्यमंत्री योगी जी ऐसा कदम, सख्त कदम उठाए से पर, ऐसे जो लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं? सब होएगा बच्चा हमारा, सब कुछ होएगा, सब होएगा बेटा, सब होएगा। वो तो ढूंढ है उनका, ढूंढत है सब, सब होएगा हमारा लाल, सब होएगा। अभी पुलिस उनको ढूंढ रही है, आपको क्या आप मांग करती हैं प्रशासन से? सब चल रहा है, सब ढूंढ रहे हैं। आप चाहती हैं कुछ बड़ी इस पर कार्रवाई हो, क्या कहना चाहेंगी आप? अरे बच्चा हमारा सर धर गया है, बोलो ना, हम बहुत चक्कर आवत है, 3 दिन है चाय पानी कुछ हमारा फाट आ जाता है। दुख की घड़ी है ये अब, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि प्रशासन उसको पकड़ने में लगा हुआ है। क्या चाहती हैं कि उस पर क्या कार्रवाई हो, आप क्या चाहती हैं? आपकी बेटी तो चली गई ईश्वर के पास, लेकिन ये दुख जो देकर गई उस व्यक्ति की वजह से आपको, आप क्या चाहती हैं? कुछ तो बोलिए। क्या चाहिए थे, वो तो मरे या वो का, उनका मार दियो, उनका छोड़ो मत। आप चाहती हैं उसको फांसी हो? थोड़ा बताइए, जोर से बताइए, आप चाहती हैं इसको फांसी? सब होएगा, उनका बाप बोल दिया भैया हमसे परेशान न करो, सब होएगा बच्चा, अब जाओ उनके बाप से मिलो। बिल्कुल, देखिए परेशानी की तो बात है, जिस बेटी के घर, जिस माँ बाप की युवा बेटी, 11वीं में पढ़ने वाली बेटी अपने आप आत्महत्या कर ले, उस परिवार पे दुख के संकट, दुख के पहाड़ तो टूट ही जाते हैं। उनकी दादी हैं, आपसे बात, आप उनकी दादी हैं अम्मा? बच्चा मियां आ ही रही बच्चा। आप क्या चाहती हैं? अच्छा, आपकी जो परिवार में हुआ है, आप चाहती हैं कि उस पे बड़ा एक्शन लिया जाए पुलिस प्रशासन द्वारा? आप लोग चाहते हैं योगी जी कुछ करें इसमें? हम सन वाला बच्चा, हम देहात में रहे थे, देहात का जाई थे। अरे आप, इतना बड़ा संकट हुआ है उस एक लड़के की? अब्बा आवत हो नहीं से की हो, अब्बा आवत हो, कहाँ गए? यहाँ आई रही ना बच्चा, अब यहाँ रहोगे? चले जाओगे? हाँ, छोड़ कर ना आई, हम देहात में रहे थे। अच्छा, आप देहात में? हाँ, पूर पतुआ रहा थे, नाती नहीं नाते रहा, पटुआ है, दो तो पटुआ है, दो नात, तीन नात। वो प्रशासन, सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए? वो तो गए, क्या करें? चाहते हो कि प्रशासन कुछ बड़ा कदम उठाए, आपको इंसाफ तो मिले? क्या इंसाफ मिले, क्या कर रहे हैं, क्या करें अब तो? हमारा गलत थोड़ो है, फोटो खींच ली ना, अब उनका जाने दो, क्या करें उनके माँ बहन नहीं रहे, अपन मही माँ बहन के साथ गलत कर लेते हैं। और का मतलब, उसने जो लड़के ने किया वो इतना गलत काम किया कि उस वजह से आपकी बेटी को आज जाना पड़ गया? चलिए देखिए, ये परिवार है, ये उनकी माँ है, ये उनकी दादी है बेटी लड़की की, ये लड़की की माँ है और पीछे उनकी दादी है। ये एक छोटा सा कमरा है जिस
कमरे में वो परिवार, वो बेटी रहा करती थी। आंटी आंटी क्या कहेंगी, ऐसा जब काम होता है इस तरीके का, पहाड़ संकट के पहाड़ इस परिवार पर टूटे हैं, क्या आप लोग मांग करते हैं? अब उनके पापा गए हैं, हम ना जाएं भैया, चाहते हैं कि योगी योगी सरकार कुछ करे ऐसे लोगों पर। योगी सरकार क्या है, सब जितना बच्चे हैं सबको उनका दारू, और का साथ देते तो क्या करे के मरती। अच्छा पहले आप गई थी प्रशासन के पास भाई? अच्छा थोड़ा ऐसे ही बता दो, आप नीचे झुक के बता दो, कैमरा आपकी तरफ नहीं आएगा, आप गए थे पहले प्रशासन के पास? बता बस करो, हाथ जोड़ी थे अब। अच्छा पुलिस ने पहले कार्रवाई नहीं की? आप लोग गए थे पुलिस के पास शिकायत लेके? अगर पुलिस पहले कार्रवाई करती तो आप लोग बेटी जिंदा होती, यही कहना चाह रही हैं क्या? देखिए हालांकि परिवार बात करने की स्थिति में नहीं है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है कि जब एक परिवार की जवान बेटी साल दो साल बाद उसकी शादी ये परिवार करता धूमधाम से करता, लेकिन कहीं ना कहीं इरफान ने उस बेटी को, उस 11वीं की छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया और इरफान ने उसका एक ऐसा वीडियो बनाया जिसको उसने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया और उसके बाद बदनामी के डर से सदमे में पूरा परिवार आ गया और उस बेटी ने फंदे से लटक के अपनी जान दे दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो लड़के होते हैं, आखिर उनके माँ बाप उनको कौन सी तालीम देते हैं, कौन सी सोच देते हैं और उनके माँ बाप उन पर कंट्रोल क्यों नहीं करते, जो एक पूरा ये परिवार, एक पूरा वो परिवार, दोनों परिवार इस वक्त तबाह हो चुके हैं। इरफान और उसका पूरा परिवार फरार है, पुलिस की छेटी में लगी हुई है, लेकिन इरफान ने जो किया कहीं ना कहीं उसकी जो मानसिकता थी उस मानसिकता को दर्शाता है कि उसकी कितनी गंदी सोच थी, कितनी गंदी मानसिकता थी। आज इरफान और उसका पूरा परिवार फरार है, हालांकि पुलिस का शिकंजा उस पर कसा जा रहा है, बहुत ही जल्दी वो पुलिस के गिरफ्त में होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप ये घर देखिए, एक छोटा सा एक कमरा, इस कमरे में, इस घर में वो लोग किराए पे रहते हैं और किस कदर उस इरफान ने हर चीज़ को दरकिनार करके अपनी गंदी सोच के साथ उस लड़की के साथ वो काम किया कि आज वो लड़की इस दुनिया में नहीं है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की जो छेटी में बनी है वो इरफान को कब तक सलाखों के पीछे भेजती है। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, खोड़ा संगम, बिहार से।